बॉलीवुड में कुछ सितारे ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग चमकते हैं और सुपरस्टार्स के होने के बावजूद फिल्म में जान डाल देते हैं। ऐसे ही एक स्टार हैं मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब। ज़ीशान फिलहाल ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। ये लगातार उनकी बैक टू बैक खान फिल्म होगी। इसके पहले वो रईस में शाहरुख खान के बेस्ट फ्रेंड की भूमिका में दिखे तो ट्यूबलाइट में सलमान खान के साथ। अब ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में वो आमिर खान के साथ काम करते नजर आएंगे। ज़ीशान ने तीनों खान के काम करने के तरीकों के बारे में बात की। उनका कहना था कि आमिर हर सीन अच्छे से समझेंगे, वो तब तक करेंगे जब तक परफेक्ट शॉट नहीं मिलता। सलमान इसके बिल्कुल उलटे हैं, वो दो बार से ज्यादा सीन नहीं पढ़ेंगे, एक बार लाइन बोलेंगे और बस सीन उनका हो गया, वो सीधा शूट करेंगे। इसलिए हमेशा गुंजाइश रहेगी कि वो सीन ना चले या फिर चमत्कार हो जाए तो धुआंधार चले। शाहरुख थिएटर वाले बंदे हैं, वो 10 बार रिहर्सल करेंगे, आपसे पूछेंगे आप सीन कैसे कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से अपनी लाइन तैयार करेंगे। जब आप सीन कर रहे होंगे तो तुरंत बताएंगे कि ऐसे करो तो बेहतर होगा, और आप भी बता सकते हैं। नए सिनेमा का स्वागत कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें दर्शक अब सम्मान के साथ वो जगह दे रहे हैं जो एक कलाकार को मिलने चाहिए, और इसका शाहरुख सलमान की स्टारडम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये नया सिनेमा है। मोहम्मद ज़ीशान अय्यूब अब रंजना का मुरारी हो या फिर तनुवेज़्म अनु का कंधा, ज़ीशान हर रोल में जान फूंक देते हैं। भूले तो आप उन्हें तब भी नहीं होंगे जब नो वन किल जेसिका में वो आए और एक ड्रिंक के लिए जेसिका को गोली मार कर चले गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी उन चंद एक्टर्स में शामिल हो चुके हैं जो कंटेंट के बल पर तारीफें बटोरते हैं, चाहे वो बॉम्बे टॉकीज की छोटी सी शॉर्ट फिल्म हो या फिर मांझी द माउंटेन मैन की बायोपिक हो। अब जमाना आ चुका है नया सिनेमा का, जहां स्टारडम नहीं अभिनय और कला परोसी जा रही है, और अब ये पूरी एक खेप हो चुकी है। अमित साध अगर सलमान खान के साथ भी कोई फिल्म में अपनी छाप छोड़ सकता है तो जाहिर है वो सही दिशा में मेहनत कर रहा है। वैसे भी अमित को स्क्रीन पर देखना लोगों को काफी पसंद है। जिमी शेरगिल ने माचिस से ही अपना जलवा दिखा दिया था और यशराज फिल्म्स ने उन्हें अपना नया चेहरा बनाया, लेकिन इसके बाद उनकी सफलता में केवल उनकी काबिलियत का योगदान है। यहां से लेकर साहिब बीवी और गैंगस्टर डॉलर वेड ने सड्डे से तनु वेड्स्म अनु तक उनका सर्वश्रेष्ठ दिखा है, और राजा अवस्थी तो अपने यूपी वाले किरदार ही हैं। फिर साकिब सलीम नए हैं और टैलेंटेड हैं, और उतना उनके लिए काफी है। हवाई को उनका करियर बेस्ड कहा जाए या बॉम्बे टॉकीज को, इस बात पर थोड़ा डाउट है। हुमा कुरैशी ने डेढ़ इश्क किया जैसी फिल्म में माधुरी दीक्षित के सामने और साथ अपनी जगह बनाई, और इसे अचीवमेंट कहते हैं जनाब। रोनित रॉय की फैन फॉलोइंग आज की नहीं है, पर उनकी स्टारडम से ज्यादा बड़ा है उनका अभिनय, जो एक सीन से ही दिख जाता है। उनका करियर बेस्ड हम नहीं चुके सकते। कंगना रनौत इस लिस्ट की क्वीन है। कंगना रनौत तनु और दत्तों को इतनी बेहतरी से निभाने की काबिलियत शायद कम लोगों में हो। फैशन की बेगड़ैल मॉडल से लेकर क्वीन की भोली सी रानी तक वो परफेक्ट है। राजकुमार राव अगर क्वीन की बात हो तो उनके राजकुमार की बात भी होनी चाहिए। नए जेनरेशन के बेस्ट एक्टर का खिताब उन्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि जितने वास्तविक ढंग से उन्होंने डॉली की डोली जैसी फिल्म में भी अपना किरदार जिया वो काबिले तारीफ है।